संपर्कने अधिक आलोचना करिया पई हम सहित किन्नर साधना जोड़ी होइछन्ते। साधना आपनको स्वागत करुछे कनक न्यूज को। जो माने समलिंगी संपर्क स्थापन करुछन्ते से माने विवाह करिया पई अनुमति मागुथिले किंतु ए पर्यंत सुप्रीम कोर्ट पाखरो से मानको अनुमति मिलु नाही। केमे देखुछन्ते आज गोटी आशा थिला आशा पुणी किसी दिन पर्यंत निराशा परिणत हो कि पुणी अपेक्षा करिया पई पड़िबो कि साधना सुनी पड़ चंदे हमको साधना को सहित हमारा जोगाजोग बिछिन्न हो दिस कोर्ट्स ऑब्जर्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू द लर्नड चीफ जस्टिस इज रीजनिंग सेंटर्ड अराउंड द इनन्सिएशन ऑफ द बुक ऑफ राइट्स एमिनेटिंग फ्रॉम हिज प्रोविजंस एंड लोकेटिंग एन ऑब्लिगेशन हैज टू बी सीन इन द बैकड्रॉप ऑफ द यूनानिमस व्यू ऑफ दिस कोर्ट। कोर्ट कौन कहते समलिंगी विवाह संपर्क आसतु जाणी समलिंगी संपर्क एक सहरी चिंताधारा नुहे बा उच्च श्रेणी भितर यह सीमित नुहे बोली कि सहमति अच्छी आई असहमति रही कोर्ट कौन से आईन गढ़ीपरि ना आईन व्यवस्था सरकार करे देश में कितु समलिंगी संपर्क बढ़ी और यार ग्रहणीयता बढ़ी कहते कोर्ट सरकार मामलार एक कमिटी गठन करंतु बोली मुख्य विचारपति कहते सुप्रीम कोर्टर एभली लोकों से अधिकार मिलबार आवश्यकता अच्छी बोली कहते सीजेआई साथी खोजापी स्वाधीनता मिलू बोली सीजेआई मत दे reasoning that our conclusion on the challenge of SM and subsequently finding on the disparate discriminatory impact faced by the queer community, a small comment is called for. The section discussing the provisions of the SMA and the challenge to its validity. केउ देशरे समलिंगी विवाह को स्वीकृति मिलिछ असन ता पर नजर पकेबा विश्वर 34 टी एमिति देश अछि जेउठी समलिंगी विवाह व्यवस्था रहिछ। आमेरिका कानाडा ऑस्ट्रेलिया जर्मनी ब्राजिल भली देश में आईन सम्मत 64 देश में समलिंगी विवाह और संपर्क को बेआईन बोली धरा जाए। आफ्रिका महादेश अधिकांश देश में यह अपराधिक मामला भाव विचार करा जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तो समलिंगी संपर्क पर मृत्यु दंडादेश रही है। 2018 समलिंगी संपर्क को अनुमति प्रदान करते सुप्रीमकोर्ट भारतीय सुप्रीमकोर्ट या पूर्व भारत में मध्य यह अपराध भाव में धरा जाता केन्द्र सरकार एपटे समलिंगी संपर्क को समर्थन करूना समलिंगी दाबी कौन रही नजर पकेबा 18 समलिंगी जुगल सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन करते समलिंगी विवाह को आईन सम्मत करने आवेदन थिला साधारण दंपति भली जीवन जीवापी चाहूते पोष्य संतान ग्रहण समय से कौन समस्या न हो दाबी करते संपत्ति किणवा बेले आईनगत समस्या न रहू बोली दाबी थिला सहजरे मुंड टिके बंचिबार अधिकार मिलु बोली सेमाने दाबी करी आसुथिले। ए संपर्क में अधिक आलोचना करिया पई आम सहित किन्नर साधना जोड़ी होइछंती। साधना स्वागत करुछि आपनको कनक न्यूज को। तो आज गोटे आशा थिला जे सुप्रीम कोर्ट रु अंत गोटे राय आसीबो जे समलिंगी माने केमिति विवाह करि परिबे किंतु समिति स्पष्ट राय आसुनी आपण माने किछ मात्रा निराश होउछन्ती कि। नमस्कार मु आशा रखिछि एवं निश्चित भाबरे मु दृढ़ विश्वास अछि कि निष्पत्ति निश्चित आसीबो। समस्तक अनुरोध आपण माने निराश होउन्तु नाही
भारत संवैधानिक नियम अनुसार फंडामेंटल राइट्स अनुसार प्रत्येक मनुष्यर बंचिवार अधिकार अछि, निजर जीवन साथी बाछिवार अधिकार अछि एवं समाज रे निजे मुंड टेकी बंचिवार अधिकार अछि। माननीय सुप्रीम कोर्ट कर हो बा अन्य कोनसी राय प्रकाश रे हो बहुत गुड़े जिनस को तर्जमा हेछि, रिसर्च हेछि एवं ता सटीक भाव रे राय प्रकाश पाइछि। तेणुक मु जानिछि दृढ़ विश्वास मध्य अछि जो आंदोलन अछि जो सेम सेक्स पाई बा एलजीबी पॉपुलेशन आज पर्यंत भारत वर्ष रे लड़े कर आसुचंती निजर सेक्सुअल ओरिएंटेशन पाई पार्टनर चॉइस पाई डेफिनेटली एटा गोटे सब्जेक्ट अछि परिवर्तन रा एवं परिवर्तन निश्चित आसीब। आगुरु आसी नथिला 2009 रे मध्य आमे माने आंदोलन करथिले रेनबो प्राइड मार्च ओडिसा रे भी आमे माने आनिकी आसथिलु 2009 टू टिल डेट एही पर्टिकुलर सेम सब्जेक्ट रे डिस्कशन चालीछि। जेतेबेले आमे ग्लोबल लेवल रे जाइकी समस्ते पिटिशन साइन करुछंती, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन करुछंती, डेफिनेटली प्रत्येक वर्गर लोकंको आमे समान बोली कहउछंती। प्रत्येक जाति धर्म एवं लिंगिता लिंग भितर आमे केबे हेले पार्थक्य देखिबा नै, प्रत्येक लिंग को समान बोली करिबा। तो निश्चित भाव में मोर दृढ़ विश्वास काहीकि ना भारत संविधान रो बहुत बड़ा गोटे स्तंभ जो थे कि लेखा जाइछि मौलिक अधिकार मोर अछि निज को बाछिबार, निजर पसंद को बाछिबार एवं निज को एक्सप्रेशन करिबार। एही राय को निश्चित भाव में सुप्रीम कोर्ट तर्जमा करिबे, रिसर्च करिबे एवं आर निश्चित भाव में सटीक भाव से घोषणा करिबे। मोर अनुरोध प्रत्येक एलजीबीटी पॉपुलेशन जो माने मते देखि पारचंती निश्चित भाव से माने कोनोसी भाव में निराश न होई कि निज को निजे प्रतिश्रुति भाव एवं निजर प्रतिज्ञा को आंदोलित करी निजे मध्य आग को आसीबा दरकार एवं साधन एटी प्रश्न आसुची समाज रो मुख्य धारा रे माने शामिल हबा दरकार। एटी प्रश्न आसुची जे संपर्क को आईनगत स्वीकृति मिलिछि किन्तु विवाह को ए पर्यंत मिलि परुनी। सुप्रीम कोर्ट कहउछन्ति जे आईन तयार करि परिबेनी, सुप्रीम कोर्ट आईन रो तर्जमा करिबे ताको लागू करिबे किन्तु आईन तयार करिवार काम होछि पार्लियामेंट रो, किन्तु सरकार त विवाह सपक्ष रे नहंती। आज्ञा देखंतु गोटे परिवर्तन पई बहुत उडे पहाच पहाच माने बहुत गुड़े जगह को देखिए गतिक्रम करने पड़े। भारत संविधान जिते गुड़े नियम अच्छा सुप्रीम कोर्ट गोटे राय प्रकाश करें तापर जो पर्याय अच्छी तापर आलोचना हवा दरकार पुणी तापर आपणकर पॉलिसी आसीबो, पॉलिसी परे तार परिवर्तन नीति नियम बळी तयारी हबो। भारत वर्ष रे समस्त आलोचना करिवे गोटे एते बड़ा परिवर्तन जमती कि बाल्य विवाह परिवर्तन होइछि, विधवा विवाह परिवर्तन होइछि, ट्रांसजेंडर को स्वीकृति प्राप्त बा आज तृतीय लिंग हिसाब रे घोषणा करा जाइछि, सेमती समाज रे कोनोसी गोटे नुआ दिनस परिवर्तन हेले निश्चित भाव रे तार केते गोटे नियम थाए, केते गोटे नीति नियम को अनुकरण करा जाए एवं भारत वर्ष रो एक नियारा परंपरा रे एक नियारा स्वीकृत नियम अछि जोथरे कि आमे माने समस्त जानिचंती जार पॉलिसी अच्छी डिमांड अच्छी तापरे सेतुडी को समस्त अप्रूवल करिवे एवं साधना एक कथा कहिबे कि जे प्रकृत रे सम्मान समलिंगी मानन को संपर्क को त स्वीकृति दिया जाउ छै, से माने एकाठी रही परिबे जहां इलीगल न होय, किंतु विवाह न करिया फल रे से माने कोन कोन असुविधा भोगु छंती। निश्चित भाव रे मो कहि परिबे कि से माने एकाठी रहु छंती विवाह न होला परे बहुत ओडे केस अछि जो माने कि निजर कौनसी आईनगत दृढ़ता रही रखी पार ना जहाँफल घर हिंसा हो बा डिस्क्रिमिनेशन हो जो फल कि बहुत गुड़े समस्या प्रॉब्लम उपजुची। मु चिंता करुची जो माने ए समस्या उपजुचंती बा जो माने प्रॉब्लम फेस करुचंती आग को आसिकी ए विषय कहिबा बहुत जरूरी। तो ये कथा आसुची जे जेहेतु समलिंगे माने जैविक संतान माने सृष्टि करिपरिबेनी किंतु पोष्य संतान ग्रहण कला बेले किसी आईनगत प्रतिबंधक रही जाउछि, संपत्तिगत अधिकार रे किसी आईनगत प्रतिबंधक रही जाउछि, विवाह द्वारा ए सब समस्या रो समाधान हबो कि सेम क्वेश्चन मते समस्त प्राय पचारथिले। देखंतु 2006 रु मते ई सेम प्रश्न पचारा जाइछि एवं मु भाबुछि कि संतान जन्म करिबा पिता माता हबाटा जरूरी, किछि लोक जदि संतान जन्म न करिबे कोन जनसंख्या रो टिके कमी जीवनी, आमर जनसंख्या जो वृद्धि पाउछ से टिके कमी जीवनी, केते गुडे अनाथ आश्रम अछि आमे अडॉप्शन करि परिबा, पिलांकु तक गुडे भलो करियर दे परिबा, जदि दी जण परस्पर मानसिकता शारीरिक स्तर रे खुशी अछंती एवं समान गुडे तृतीय व्यक्ति को अडॉप्ट करिकि तार गुडे नूतन जीवन देछंती ता पई कोन आमे माने सहायता करबा जरूरी नुआ,
ତାପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଜରୁରୀ ନୁହଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ବହୁତ ଜରୁରୀ କି ସେହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତିରସ୍କାର କରିଦେବା, ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେବା? କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ନିୟମ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା? ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଟା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ, ବେଡ଼ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ, ବିବାହ ନ କରିଥିଲେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଯାଉଛି କି? ମୁଁ ତ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଯଦି କେବଳ ବୈବାହିକ ସମ୍ପନ୍ନରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହବ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ? ମୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବି ବିନା ବିବାହରେ? ୱାଇ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜ୍ କମ୍ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ କି ଜୈବିକ ସଂସ୍ଥାନ, ଜୈବିକ ସଂସ୍ଥାନ ଯଦି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଖରାପ କ'ଣ ଅଛି? ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ଉପରେ ନୀତି ନିୟମକୁ ଯଦି ମୁଁ ମାନେ, ପରସ୍ପରକ ପରିପୂରକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ହୁଏ, ତେବେ ଏଠି ଖରାପ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା ବିବାହ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, ଗୋଟିଏ ଦମ୍ପତି ଭାବରେ ଯଦି ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ ତାହେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ରହୁଛି, ଯୋଉ ଯାହାର ପରିରାମ ପରି ପରିଣାମ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେମାନେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବେ, ସାମ୍ପାତିକ ଅଧିକାର, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଧିକାର, ଆଡପ୍ସନ୍ ଅଧିକାର, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ବାହାର କରାଯିବ? ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ସମସ୍ତ ଜନତାକୁ, ଜନସତ୍ତାକୁ, ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀକୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଦରକାର, ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟିଏ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ସମାନ, ତେବେ କାହିଁକି ଏ ଭେଦଭାବ, କାହିଁକି ଏ ତିରସ୍କାର? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାଲୁ ପକ୍ଷୀ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କରିବାରେ ଆମେ କାହିଁକି ସଙ୍କୁଚିତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି? ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯଦି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି କି ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିପାରିବେ, ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭେଦଭାବ କାହିଁକି ଅଛି? କାହିଁକି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଆମେମାନେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାନି, ପରିବାର ରଖିପାରିବାନି, ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇପାରିବାନି, ଆଡପ୍ସନ୍ କରିପାରିବାନି, ପିଲା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାନି? ୱାଇ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆରାଇଜ୍? ଓକେ ସାଧନା, ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଧନା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ। କିନ୍ନର ସାଧନା ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ଯେତେବେଳେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବୋଲି କହୁଛି, ସମାନ ଅଧିକାର ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାରରୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି।